हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई में। मैं मार्टिना होडवानी आपके साथ सारी ही इजी होम कुक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको देखनी है और अपने घर पर जरूर बनानी है, ट्राई करनी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रसोई में एक स्पेशल टाइप ऑफ कटलेट्स बनने जा रही है, जिसमें हम भुट्टे यूज़ करने वाले हैं। मतलब कि अभी सीज़न है भुट्टे का और बारिश में भुट्टे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। हम भुट्टे और आलू का कटलेट बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर लिए हमने दो आलू और एक भुट्टा लिया है, एक हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा जीरा। और साथ में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो करना है हमें इस भुट्टे को मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो मैं आपको इसको पीस कर और कैसे इसको बनाना है वो दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भुट्टे को पीस लेने से ये इस तरह से इसको हमें बारीक पीसना है, ताकि वो भुट्टे के दाने जो हैं वो बिल्कुल भी इसके अंदर हमें खाने में नहीं लगेंगे। वैसे हमने इसको बॉईल कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह से भुट्टे को पीस लेते हैं मिक्सर में। फिर उसके बाद में हमें इसको क्या करना है, अच्छी तरह से इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को डालना है और उसको बनाना है। और उसके अंदर हम डालेंगे अमचूर, सबसे पहले एक चम्मच छोटा, और लाल मिर्च और हल्दी। इसके अंदर एक टी स्पून जितनी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून जितनी हल्दी डालेंगे हम। और नमक हमने आलू में और भुट्टे में दोनों में बॉयल करने में डाला है, तो इसके लिए ज़्यादा नमक भी हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमने पूरा जो आलू और भुट्टा है उसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लिया है, ताकि इससे मसाले भी मिक्स हो गए और अच्छी तरह से ये पूरा मैश हो जाएगा। फिर इसको आप जैसा भी शेप देना चाहें, गोल देना चाहें और या मतलब बेलन जैसा देना चाहें या हार्ड शेप में देना चाहें, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा शेप आप इसको दे सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, इसके अंदर हम डालेंगे जो चेडर चीज़ होता है वो, तो चेडर चीज़ को मैं सेंटर में कैसे फिल करना है वो आपको दिखाती हूँ। हमने इसको सारा जो मिक्सचर बनाने के बाद सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके अंदर हमें डालना है एक स्पून जितना कॉर्नफ्लोर, ताकि क्या होगी इसकी जो बाइंडिंग होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला ब्राउन जो है पोलोसन का कॉर्नफ्लोर है। अब इसको मिक्स करके मैं दिखाती हूँ आपको, जब इसको मिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा, इसका टेस्ट होगा अच्छा आएगा और जो टेक्सचर बैठेगा, जैसे बाजार में आप कटलेट्स खाते हैं बिल्कुल वैसा टेक्स्चर इसका बैठेगा अगर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमें क्या करना है, इस तरह से आलू और जो हमने भुट्टे लिए थे उसको हमने इस तरह से थोड़े थोड़े जो छोटे पीसेस में बांट के उसको गोले बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने चीज़ को एक कटोरी में निकाल लिया है और चम्मच को भी ले लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका शेप जो है वो बेलन जैसा इस टाइप से देना है, और इसके अंदर जो है हमें बीच में इसके दो टुकड़े करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसके अंदर सेंटर में टुकड़ा करना है, इसको आधा करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, चीज़ को रखना है, चीज़ को रख कर हमें इसको बंद करना है। मैं दिखाती हूँ आपको बंद कैसे करना है। इसको हमें हाथ से पूरा अच्छी तरह से वापस गोल बनाकर और फिर इसको बेलन शेप देना है। अगर आपको लग रहा हो कि आपके हाथ पर चिपक रहा है, तो हल्का सा ऑयल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बांध देती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से पूरा अंदर बांध, मैंने इसको चीज़ को अच्छी तरह से पैक कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया है, पूरा अच्छी तरह से बंद कर दिया। इसी तरह बाकी के जो चार पांच कटलेट है उनको भी मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। फिर हमें इसको क्या करना है, कढ़ाई में डीप फ्राई करना है। इस तरह मैंने सारे ही जो कटलेट्स है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फिलिंग में चीज़ को डाल दिया। और अब हम इसको क्या करेंगे, कढ़ाई में बहुत ही कम क्वान्टिटी में ऑयल लेना है हमें, एक टी स्पून जितना, और इसको फ्राई करना है। अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी, जो कटलेट्स मैंने बनाई है उसको मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह से कटलेट्स बन जाए। हम इसको कॉर्नफ्लोर इसलिए लगाते हैं ताकि जो कटलेट होगी वो बिल्कुल भी गले ना, और इसके अंदर जो शेप है वो बहुत अच्छा आ जाता है कटलेट का, और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। कटलेट जब एक साइड से होने लगेगी तो इसको हम साइड चेंज करेंगे, तो ये इस तरह से इसके ऊपर परत बनने लगेगी।
तरह से इसको अच्छी तरह से बनाना है। अभी जो चीज़ है ना वो काफ़ी हद तक इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह पक जाएगा, क्योंकि ये जो कटलेट बाहर से जैसे जैसे पक जाएगी, और ऑयल की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है, क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा नहीं सोखेगी, बस इतना कम नहीं रखना है कि बिल्कुल वो जल जाए और चिपकने लग जाए, इतना रखना है मतलब कि एक स्पून जितना जितना करके आराम से ये सिक जाए। और इसके लिए पतले तले की कढ़ाई ली है मैंने स्पेशली, क्योंकि मोटे तले की कढ़ाई में उसमें बहुत देर लगेगी और वो अच्छी तरह हो नहीं पाएगी, तो इसको पतले तले की कढ़ाई में लेना है। और इसको बीच बीच में आप जो चम्मच होता है चेक करते रहें ताकि वो हो रही है नहीं हो रही बराबर, वहीं चेक करते रहें। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगी तो देख सकते हैं आप बिल्कुल ऑयल सोख नहीं रही है, तो ज़्यादा ऑयल हमें इसके अंदर नहीं डालना है। और इसको बनने के बाद भी हम टिश्यू पर रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह से सारा ऑयल छोड़ दें। हम इसको एकदम स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए और खाने में भी बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगे। और फिर हम इसको टिश्यू पर निकाल लेंगे और सर्व करेंगे।